क्यों रो रिकॉर्डिंग बंद करो, रही है? नहीं पहले बताओ तो मैं बंद करूं। पहले रिकॉर्डिंग बंद करो तो ही नहीं बताऊंगी। आप बता दो मैं बंद कर दूंगी। इडली सुबह मैं खाना खिला के भेजती हूँ ना, पापा का मैं ध्यान रखती हूँ ना। लेकिन वो सुबह ही खाते, शाम को खाना खाते क्यों? आप आगे होके बैठो, बताओ तो। रात को आके खाते ना बेटा। रात को खाते ना, लेकिन शाम को तो उनका पेट खाली रहता है ना, मुझे उनकी चिंता होती है ना पापा की। और रात को भी वो बिना कुछ खाए पिए चले गए तो मेरे को उनकी टेंशन नहीं आएगी तो किस खाएगी? मेरी बात सुन, दुनिया के हर बच्ची को अपने पापा की टेंशन होती है, अच्छा अच्छा खाना खाएंगे ना, वो भी अंकल को सामान देना ज्यादा जरूरी था। लेकिन भूखे भूखे तो बेटा अगर अभी वो खाना खाने बैठते और उनके ग्राहक निकल जाएगा तो उनका ग्राहक कहाँ चला जाएगा ना? वो नरेश अंकल आते ना, उनका ग्राहक बैठा है उनके दुकान पे, उनको देना तो पड़ेगा ना उनका सामान। तो मम्मा खाना खा के इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? आके खाएंगे ना, इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? मुझे बताओ ना। खाएंगे ना, इंसान खाना नहीं खाएगा? वो खाना नहीं खाते, खाते वो भी खाना खाते अपने बाबू भी खाना खाएंगे, भूखे भूखे तो खा चले। ओ बाप रे, अपन खाना खिलाते ना, पापा नाश्ता ले जाते हैं दुकान पे। मुझे टेंशन होती है ना। ओ बाप रे, ऐसी टेंशन मुझे चिंता होती है पापा की, मैं क्या करूँ? अब मेरे स्वभाव इतना नरम है, मैं क्या करूँ? अब खराब तो कर नहीं सकती मैं। ओ बाप, इसे रोना नहीं। पापा को आप प्यार। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एक मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही अपने कमेंट्स भी देते रहिए। याद रखिए टाइम एक मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है। क्यों रो रही है? पहले अब रिकॉर्डिंग बंद करो। नहीं पहले बताओ तो मैं बंद करूं। पहले रिकॉर्डिंग बंद करो तो ही बताऊंगी। आप बता दो मैं बंद कर दूंगी। इडली मम्मी मुझे ना बाबा की बहुत याद आती है, मैं ना जब दुकान पे जाते शाम तक खाना नहीं खाता, हो भूखे के भूखे काम करते, कुछ भी नहीं खाते पीते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ काम काम तो सुबह मैं खाना खिला के भेजती हूँ ना, पापा का मैं ध्यान रखती हूँ। लेकिन वो सुबह ही खाते, शाम को खाना खाते क्यों? आप आगे होके बैठो, बताओ। रात को आके खाते ना बेटा। रात को खाते ना, लेकिन शाम को तो उनका पेट खाली रहता है ना, मुझे उनकी चिंता होती है ना पापा की। और रात को भी वो बिना कुछ खाए पिए चले गए तो मेरे को उनकी टेंशन नहीं आएगी तो किस खाएगी? मेरी बात सुन, दुनिया के हर बच्ची को अपने पापा की टेंशन होती है, अच्छा इसीलिए वो दुबली पतली हो जाती है। अच्छा खाना खाएंगे ना, वो भी अंकल को सामान देना ज्यादा जरूरी था। लेकिन भूखे भूखे तो बेटा अगर अभी वो खाना खाने बैठते और उनके ग्राहक निकल जाएगा तो उनका ग्राहक कहाँ चला जाएगा ना? वो नरेश अंकल आते ना, उनका ग्राहक बैठा है उनके दुकान पे, उनको देना तो पड़ेगा ना उनका सामान। तो मम्मा खाना खा के इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? आके खाएंगे ना, इंसान खाना नहीं खाएगा क्या? मुझे बताओ ना। खाएंगे ना, इंसान खाना नहीं खाएगा? वो खाना नहीं खाते, खाते वो भी खाना खाते अपने बाबू भी खाना खाएंगे, भूखे भूखे तो खा चले। ओ बाप रे, अपन खाना खिलाते ना, बेटा पापा नाश्ता ले जाते हैं दुकान पे। मुझे टेंशन होती है ना। ओ बाप रे, ऐसी टेंशन मुझे चिंता होती है पापा की, मैं क्या करूँ? अब मेरे स्वभाव इतना नरम है, मैं क्या करूँ? अब खराब तो कर नहीं सकती मैं। ओ बाप, इसे रोना नहीं। मैं क्या करूँ? पापा को आप प्यार। मैं हूँ सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एक मध्य प्रदेश। अगर अब तक आपने टाइम एक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही अपने कमेंट्स भी देते रहिए। याद रखिए टाइम एक मध्य प्रदेश आपका अपना चैनल है।